सर्व ब्राह्मण महासभा और अन्य सहयोगी ब्राह्मण संगठनों की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह 1 मई से 15 मई तक आयोजित किया जाएगा। 15 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न दिनों पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया है कि इस बार न केवल राजस्थान और देश में वरन विश्व के 8 प्रमुख देशों में भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन होगा और ऐसा पहली बार होगा कि विदेश की धरती पर भगवान परशुराम जी की जय जयकार होगी और विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इसमें प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, कनाडा, इटली, अमेरिका, बैंकॉक, दुबई और कतर में परशुराम जन्मोत्सव 10 मई को धूमधाम से आयोजित होगा और देश की सभी राजधानियों में शस्त्र पूजन के आयोजन किए जाएंगे। साथ ही राजस्थान प्रदेश में जिला मुख्यालयों, तहसील, गांव ढाणी स्तर तक भगवान परशुराम जन्मोत्सव के तहत विभिन्न आयोजन होंगे। भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का विधिवत शुभारंभ 1 मई को प्रातः 9 बजे मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर में गणेश निमंत्रण के साथ होगा। इस अवसर पर जयपुर के प्रमुख संत महंतों की उपस्थिति में एक स्टिकर का विमोचन भी किया जाएगा। कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव अक्षय तृतीया 10 मई को धूमधाम से आयोजित किया जाएगा और 15 दिन का एक पखवाड़े का आयोजन 1 मई से प्रारंभ होगा। इस बार सबसे बड़ी बात कि 8 देशों के अंदर भगवान परशुराम जी की जय जयकार हो रही है और अलग अलग देशों में, विशेषकर लंदन में, अमेरिका में, फ्रांस में, कनाडा में, दुबई में, इन सब देशों में, ऑस्ट्रेलिया में भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन पहली बार आयोजित हो रहा है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान परशुराम जी की जय जयकार, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार जो हैं उनकी जय जयकार पूरे विश्वभर में हो रही है। साथ ही राजस्थान के अंदर हमने तय किया कि राजस्थान के सभी जिला हेडक्वार्टरों पर भगवान परशुराम जी की शोभायात्रा निकाली जाएगी। सभी जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर भगवान परशुराम जी के ब्राह्मण गुराओं ब्राह्मण रत्न सम्मान समारोह का आयोजन होंगे। इस प्रकार से बहुत सारे आयोजनों की कड़ी में इस बार भगवान परशुराम जन्मोत्सव को आयोजित किया जाएगा। 1 मई को सुबह मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर से कार्यक्रम प्रारंभ होगा गणेश निमंत्रण के साथ में। उसके बाद में 6 मई को तारकेश्वर जी के मंदिर में महाआरती का आयोजन होगा। 8 मई के दिन भगवान परशुराम जी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। 9 तारीख को रेलवे स्टेशन स्थित भगवान परशुराम सर्किल पर दीप प्रज्वलन होंगे। 10 तारीख को भगवान परशुराम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 12 तारीख को ब्राह्मण रत्न सम्मान समारोह होगा और 15 मई को युवा प्रकोष्ठ की ओर से शस्त्र शास्त्र की पूजा की जाएगी। पूरे राजस्थान भर के लोग आएंगे और समाज के प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे।